प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही मजेदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट साजिद ताड़स साहब को, जो है तो पाकिस्तानी मूल के पर वो अमेरिका में रहते हैं, और खास बात यह है कि आज वो भारत में है। तो चलिए जानते हैं कि उनका भारत का एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है उन्हीं की जुबानी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। साजिद ताड़स साहब भारत में इस वक्त इंडिया गेट पे खड़े हैं। ताड़स साहब बहुत प्यारे लग रहे हैं, बड़े अच्छे ग्लासेस लग रहे हैं, और पीछे बड़ा शोर है, और मैं देख रहा हूँ कि आप भारत के अंदर इंडिया गेट पे हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं ताड़स साहब भारत आके? चीमा सर, ये इट्स अ वेरी हंबलिंग एक्सपीरियंस, वेरी प्लीज मैं यहाँ पे आया हूँ। और तो बड़ी चेंजेस देखी मैंने, दिल्ली इज मच क्लीनर देन बिफोर। मैं 5 साल पहले आया था, उससे भी ज्यादा फेस्टिवल चल रहा है पूरे दिल्ली के अंदर इस वक्त, ट्यूलिप है साइड पे। और एक सबसे बड़ी बात ये है, खासकर इस वक्त न्यू दिल्ली बहुत बिजी है। मैं आपके सेगमेंट कह चुका हूँ, मोदी साहब कभी भी से बाहर नहीं आए, उनकी सारी जो टाइम है उन्हें सारा वक्त वो कैंपेन में। आजकल यहाँ पे खसूस समय चल रही है जिसमें 15 फॉरेन मिनिस्टर जो है न्यू दिल्ली में आ रहे हैं, और वो लोकल इश्यूज को, वर्क को, इकॉनमी को डिस्कस कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात थी। और उसके बाद जो मेरी नजर में देख रहा हूँ, इलेक्शन की क्या मांग चल रही है, किसानों की भी चर्चा हो रहा है हर तरफ। मेरे लिए इट्स अ वेरी हंबलिंग एक्सपीरियंस टुडे स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ हिस्टोरिकल प्लेस इंडिया गेट, और उसके साथ बिल्कुल असेंबली है यहाँ पे। वेरी दिल्ली का एक बड़ा एरिया है, साफ सुथरा एरिया है, आसपास बड़े बड़े अच्छे होटल है। मैं खुद ओबराय होटल में ठहरा हूँ, जो कि डिप्लोमेटिक इनक्लेव, ज्यादातर डिप्लोमेट्स हैं, आसपास एम्बेसियां मौजूद है। तो मेरे लिए इट्स अ वेरी हंबलिंग एक्सपीरियंस। आई एम प्लानिंग टू गो टू सीसगंज गुरुद्वारा साहब, आई एम प्लानिंग टू गो टू हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पे जाने का मेरा प्रोग्राम है। अक्षरधाम मंदिर जाऊंगा, और मैं फिर मेरा न्यू दिल्ली का ट्रिप जो है इंक्लूड होगा। उसके बाद मेरा अमृतसर जाने का प्रोग्राम है, गोल्ड टेम्पल हरमंदिर साहब जाऊंगा। मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो आई ऑलवेज गो टू इंदौर जाऊंगा। लेकिन मेरे लिए इट्स अ वेरी हंबलिंग एक्सपीरियंस, इंडिया इज माई सेकेंड होम, और आई एम फीलिंग वेरी कंफर्टेबल, आई एम फीलिंग वेरी वेलकम हियर टू इंडिया। लेकिन अब सैडली चीमा साहब, अनफॉर्चुनेटली there will be no justification if I tell you that where India is moving up, aur aap kahan khade hain, chatha sahab ki cheeze nazar aa rahi hain, unki apology nazar aa rahi hai, and unfortunately the country is in chaos, political chaos. aur dusri sabse badi khabar aaj ki thi ki khan sahab ne IMF ki threat kar di hai ki hum IMF ko letter likhenge, halanki is nothing to do with the option, cannot do anything with the IMF package, but unfortunately that's what the reality is. Sadly, I feel bad about my motherland, my homeland. लेकिन तारड़ साहब, आप भारत के लोगों के लिए क्या पैगाम लेके आए हैं? आपको भारत के लोग बड़ा प्यार करते हैं, भारत के लोग आपको बड़ा प्यार करते हैं, क्या पैगाम लेके आए हैं उनसे, उनके लिए? देखिए, जो मेरी चिम्मा साहब, मैं कुछ चंद उन लोगों में से हूँ जो हमेशा ये चाहते हैं कि इस पीस आए और इस सारा रीजन जो है वो इकट्ठा हो के सारी तरक्की करे, और यही प्यार मोहब्बत का मैसेज लेकर यहाँ पे आया हूँ भारत में, यही मेरा मैसेज है। और मैं, दिस इज माय ख्वाहिश है कि मैं देख सकूं कि मेरी जिंदगी के अंदर ही बॉर्डर साफ हो, भारत के लोग पाकिस्तान जा सकें, पाकिस्तान के लोग भारत आ सकें। तो यही मैसेज मैं अल्टीमेटली यहाँ पे लेकर आया हूँ, उसको मैं ओपनली देखता हूँ। पीपल टू पीपल रिलेशनशिप, दे आर वंडरफुल। जब भी मैंने किसी को कहा कि आई केम फ्रॉम पाकिस्तान, तो उसमें लोगों ने हमेशा दो स्टेप आगे आके उन्होंने वेलकम किया है। और यही मैं मैसेज, मैं 2 दिन से, कल से हूँ होटल के अंदर, आई मेट मैनी पीपल, और जितनी वार्मथ है, इट्स अमेजिंग अमेजिंग वार्मथ है फ्रॉम द बोथ साइड्स, पीपल टू पीपल, जितना प्यार है आप सोच नहीं सकते। आई विश कि पीपल कैन कम टू इंडिया देमसेल्फ और ये एक्सपीरियंस कर सके, मेरे लिए इट्स वेरी हंबलिंग एक्सपीरियंस। तार साहब, थोड़ा सा और भी बता दीजिएगा कि ये जो बातें भारत के बारे में हम सुनते हैं किताबों में और टीवी पे के भारत जो बड़ा शाइनिंग है और मोदी साहब के दौर में ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, आप उसको देख पा रहे हैं? आपको लग रहा है वो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है?
डेफिनेटली चीमा साहब, मैं जब उतरा हूँ इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे, मैं जब बाहर आया हूँ, खासकर तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट इज वर्थ सीइंग इट, इट्स अमेजिंग एयरपोर्ट। लेकिन जब मैं बाहर आया हूँ, जिस तरह मैंने बताया कि कोविड के बाद मेरा यह पहला ट्रिप है, I was surprised to see the cleanliness of New Delhi. Matter of fact, I was, like I told you, the whole city is full of tulips, tulip festival going on. And I'm surprised. I'm America, I'm living since 35 years. I haven't seen America that much cleaner than New Delhi. Mere saath na sirf main tha, Jasdeep saab ki bhi bilkul yahi feelings thi, ke you can see the India rising. You can see the motivation of people, their appetite to move forward, to take India to the next level. आप जिस तरह देख रहे हैं, अगले दिन म्यूनिख के अंदर डॉक्टर जयशंकर जिस तरीके से उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिए हैं, जिस तरीके से ही वाज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस द वे द राइज ऑफ इंडिया, मैटर ऑफ फैक्ट मैं उसी तरीके से उसको आई विटनेस कर रहा हूं। इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस आई एम गोइंग थ्रू इट। होटल्स आई वाज सरप्राइज्ड टू सी, आई हैवंट सीन, आई एम स्टेइंग एट ओबराय एंड ओबराय आई हैवंट सीन सच अ होटल, स्पेशली देयर हॉस्पिटैलिटी आई कैन नॉट फाइंड इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड ऑफ अमेरिका। So I can see it, the way that India is rising. This is an eyewitness experience, and I'm seeing it, and I wish that people from my motherland, they learn from them. Or just like I'm saying, that my wish is that the whole region grow, kare, apan ke saath trade ke saath. So this is what I'm looking at. It, Timur saab, and you know the country you're sitting in, what kind of chaos and political instability, especially I am rahi hai. Unke kya halat hai? Khas jis ke saath kar rahi hai, main. जिस तरीके से हमारे नए प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं दिस टाइम वी विल लुक फॉर द 6 बिलियन डॉलर्स कैच। तो मेरे ख्याल में चाहिए तो यही था कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते, एक्सपोर्ट की बात करते, तो प्रोडक्ट पिक की जाती, गवर्नमेंट और सारी अवाम मिलकर तरक्की की बात करते। आइसोलेशन में है आप इस वक्त रीजन के अंदर, आप अपने अमन की बात। बिल्कुल सही कह रहे हैं ताट साहब, आपको बहुत सारे लोग मिलना भी चाहते हैं भारत में, तो जारी बात है, और आपके बहुत सारे लाखों फैन हैं भारत के अंदर, पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर। तो कई लोगों ने मुझे पूछा है कि हम ताट साहब से कैसे मिल सकते हैं, कैसे बात कर सकते हैं, तो मुझे अब पता नहीं है कि आप उसके हवाले से कोई, जारी बात है मुश्किल ही होगी क्योंकि आप बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि आप एक जगह पे रुक नहीं रहे। तो आप अपने वेल विशर्स को जो है वो सलाम दुआ करें, उनको बताएं अपने इस, ताकि वो जो मिलना चाहते हैं आप उनको डायरेक्ट अभी जवाब भी दे सकें। चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं अपने देखने वालों को, चाहने वालों को, सबसे पहले तो उनसे मैं उनको नमस्कार, प्यार, सत श्री अकाल कहना चाहूंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि चीमा साहब उनसे मेरी आई फील लाइक होम, इंडिया इज माई सेकेंड होम। मैं बिल्कुल यहाँ ऐसे ही आता हूँ, वही फीलिंग्स होती जिस तरह मैं पाकिस्तान जाता हूँ। जिस तरह मैंने आपको कई दफा कहा है कि मेरी हाफ ऑफ माय फैमिली इज इन इंदौर एंड आई एम प्लानिंग टू गो देयर। मैं सिर्फ न्यू दिल्ली के अंदर मे बी वन मोर डे आई विल बी स्टेइंग हियर, उसके बाद मैं अमृतसर और इंदौर चला जाऊंगा। लेकिन ये क्या है कि इसके बाद मेरा प्रोग्राम है कि मजीद कुछ दिनों के लिए आऊँ, और मैं आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर इंडिया माई सेल्फ। मैं जसदीप साहब से हमेशा कहता हूँ कि आई वॉन्ट टू रेंट अ कार एंड ड्राइव एवरीवेयर। सो मैं अपने चाहने वालों, मिलने वालों को कहूंगा कि आई विल डेफिनेटली कम बैक एंड विद मोर टाइम आई विल हैव अ सम काइंड ऑफ a small event here in New Delhi somewhere where all of us, we can get together and we can talk, we can express, we can share our ideas of the same. Jis tarah main hamesha kehta hu, pehle ek jis tarah ek program tha, pyar ki, shanti ki cheeze, aman ki baatein, ye sari share karenge, God willing, pretty soon inshallah. Bahut shukriya Taad sahab, mujhe pata hai aap piche shor bahut zyada hai, lekin main humne aapse special request ki ki aap jab India gate pe jaye तो टाइम दें, ताकि भारत के लोग जो आपको सुनना चाहते हैं, और जो पाकिस्तान से भी लोग आपको देख रहे हैं, और जो बाकी भी जो डायस्पोरा भी यूरोप और जो नॉर्थ अमेरिका में वो आपको देखता है, वो जारी बात है वो बड़ा खुश है कि आप भारत में, और आपने जिस तरह आप बताया कि आपका ट्रैवल एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो इस पर हम डिटेल में तारड़ साहब आपसे गप भी करेंगे। लेकिन थैंक यू राइट नाउ फॉर जॉइनिंग फ्रॉम द इंडिया। Definitely, Chima sir, we will do a segment here, not from here, even then from Indore and from Amritsar as well. Definitely, I'm looking forward. So, meri taraf se once again, salam, sat sri akal, namaskar. Ji, thank you, Tarad sahab. Aapke bahut ka bahut shukriya. दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और साजिद ताड़ साहब के एनालिसिस, उनके पॉइंट ऑफ व्यू और भारत के बारे में उनके विचार आपको काफी पसंद आए होंगे, और आपको उनका एक्सपीरियंस जान के काफी अच्छा लगा होगा। तो आपने देखा
साजिद ताड़ा साहब अभी दिल्ली में मौजूद थे, वो इंडिया गेट पे हैं और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया भारत के बारे में और बहुत सारी बातें की। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी मजेदार और जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।